गुरु गोबिंद सिंह जी का 31वां बचन 52 बचना चो दूजियां मतां दियां पुस्तकां दूजे मतां दियां पुस्तकां विद्या पढ़नी पर भरोसा दृढ़ गुरबाणी ते अकाल पुरख ते रखना गज के आखो सतनाम होर मतां दी धर्मां दी पुस्तक पढ़ विचों कोई गुण मिलदा लै पर अपना निशाना नहीं छड़ना निशाना अपना भरोसा दृढ़ गुरबाणी ते अकाल पुरख ते रखना। ये जदों मैं बचन पढ़ रहा ते मन च आ रहा सी मैं क्या गुरु नानक दे घर दी किन्नी निर्वैरता है मना नहीं कीता। गुण दूजे धर्म तो भी लै लो पर भरोसा जड़ा गुरबाणी ते अकाल पुरख ते दृढ़ रखना गज के आखो सत। इस तो वड्डी की गल होई हर गोबिंद पुरे इन्नी निर्वैरता है कि गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह मुसलमान वीरां नूं आप मसीत बना के दे रहे गज के आखो सत। वो कहिंदे महाराज शहर वसाया असी किथे रहीए गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे इत्थे रहो हरगोबिंदपुर कहिंदे जी नमाज किथे पढ़ांगे मसीत महाराज कहिंदे असी ड्यूटी लाउने आ मिस्त्री मजदूरां सिखां दी ओ बना के देणे अज भी इहदा नां है गुरु की मसीत आखो साहब। हुण इत्थे आके तुहानूं वी हैरानगी होगी गुरु ग्रंथ साहब महाराज उहदे विच नमाजां दा वी जिक्र गज के आखो साहब। कैसा गुरु पढ़दे मुसलमान वीर ने गुरु ग्रंथ साहब इन्ने निर्वैर ने पंज नमाजां वक्त पंज पंजे पंजे नाम पहला सच पहली नमाज तेरे पले सच हो हलाल दोए हलाल कहते हक की कमाई दूजी नमाज बारज देंदी है तेरी हक की कमाई हो तीजा खैर खुदाए तीजी नमाज कहती है तू सारियां दा भला मंग सारियां दी खैर मंग चौथी नीयत रास मन चौथी नमाज कहती नीयत जड़ी साफ रख चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सुनाए पंजवी नमाज कहती है ओदी सिफत विच जुड़ जा गज के आखो सत। वेदां नूं भी नहीं निंदिया श्याम कहे सितंबर स्वामी ये श्याम वेद है श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे ऋग कहे रया भरपूर ऋग वेद है ये वेद ऋग कहे रया भरपूर राम नाम देवा मैं सूर जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया चौथा वेद कल मैं वेद अथर बण हुआ नौ खुदाई अलो भया। हुण वेखो कैसे गुरु ग्रंथ चारे वेदां दा निचोड़ चारे वेद होए सच्या पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तौ नानक मुख अंतर पाए तौ नानक मुख अंतर पाए। कत्तीवां बचन दूजे मतां दियां पुस्तकां विद्या पढ़नी पर भरोसा दृढ़ गुरबाणी ते काल पुरख ते रखना गज के आखो सत।